एंडी मेरा ही पैसा लेकर मेरा ही नाम पहनकर मेरी संस्कृति को घुमा रहा है। संस्कृति जैसे इधर आई ना वो मुझे दिलीप समझ बैठी। मैं क्या करता यार, मुझे तो पता है मैं किसी लड़की का दिल नहीं दुखा सकता। क्या है ना कि ये जो है ना ये दिलीप नहीं है। हाँ बिल्कुल सही कहा मिली ने, संस्कृति ये दिलीप नहीं है, ये एंडी है। पता चला ये दिलीप नहीं है, ये एंडी है। नहीं 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 आपको पता नहीं है, दिलीप सामने है और एंडी दुबई में है। संस्कृति जी प्लीज, हम लोग सच कह रहे हैं, ये जो आपके सामने ये एंडी जी है, असली दिलीप जी दुबई में बैठे हुए हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग ना वो मिस हो रही है, दिलीप नहीं पर एंडी दुबई में है। उधर मत देखो, इधर देखो और मेरी बात ध्यान से सुनो। सुन ली, वेरी गुड। अब मेरी बात सुनेंगे? अरे अब से सुन ही रहा हूँ ना। थोड़ी सी तो सुनिए। सुनाओ। आपने ये तो सुना है ना कि आँखों से देखा हुआ सच होता है। परफेक्ट है ना। मान गए सर को सीमा, तो आप देखिए कि ये जो सामने है वो दिलीप है। अरे फर्स्ट टाइम लाइफ में आंखों से देखा हुआ सच नहीं है, ये चीटिंग है। तूने पहले बोला कि आंखों से जो देखा वो सच होता है, क्यों संस्कृति? यस बराबर। ये वो आपका पासपोर्ट है ना, पासपोर्ट निकालो, एक एक जेरॉक्स दोनों को दे दो, तब ये लोग यकीन करेंगे। अच्छा मतलब पासपोर्ट भी तूने चेंज किया? माय गॉड संस्कृति जी प्लीज, आप हम लोगों का यकीन क्यों नहीं कर रही है? मैं तो दिलीप जी पर ही यकीन करूंगी। दिलीप जी अब ये लोग आपको जला डालना चाहते हैं। आई मीन आपसे जलते हैं। हाँ। जला डालो इन लोगों को। हाँ? क्या बोल रहे? अरे कुछ बोलो तो सही। संस्कृति मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि हमें शांति का दामन कभी छोड़ना नहीं चाहिए। भारतीय संस्कृति ने हमें क्या सिखाया है? क्या सिखाया है? बैठ के सुनो। क्रोध का जवाब हमें कभी क्रोध से नहीं देना चाहिए, क्रोध का जवाब प्यार से देना चाहिए, तो अपने आप सामने वाले का क्रोध पानी पानी हो जाएगा। चालू हो गई संतवाणी। देखो समा कर दिया आप लोगों को। माफ कर दिया आप लोगों को। आप लोग चलो सो का टाइम हो गया। मैं तो भूल ही गई, सॉरी। आओ जाओ। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। ये एक ब्यूटीफुल के लिए प्यारे से फूल। थैंक यू सो मच सर, लेकिन ये किस खुशी में? देखो बेटा, जो बुके देता है जरूरी नहीं है कि वो खुश हो, जो फूल लेता है जरूरी है कि फूल लेने के बाद वो खुश हो। अरे वाह सर, सिंगर से शायर ना? मेरा ना, हमारे खानदान में सिर्फ सिंगर ही सिंगर है, सिंगरों का खानदान है हमारा, हमें शायर कह के बदनाम मत करो। मैं शायर बदनाम हो मैं चला। मैं कहां चला? देखो मेरा, बहुत टाइम से मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, क्या मैं कह सकता हूं? फिर कभी सर? फिर कभी नहीं कहूंगा। आज मैं चांस ले रहा हूं, आज मैं कहना चाहता हूं। देखो मेरा, दरअसल मैं ये बात तब भी कहना चाहता था जब मैं तुम्हें अपनी पहली पगार दे रहा था। मेरा, मैं तुमसे प्यार करता हूं, क्या तुम मेरा से कपूर बनोगी? अप्रैल फूल बनाया। अप्रैल नहीं है तो क्या हुआ? फूल तो बनाया और फूल दिया भी। मेरा बी सीरियस। देखो हंसी मजाक सब ठीक है, थोड़ा सा टाइम पास हो जाता है, लेकिन मतलब जरूरी है कि तुम इतना भड़क जाओ और मेरे मजाक पे मजाक का मजाक उड़ाओ? हाँ अब थोड़ा सा सीरियसली काम करते हैं, जरा बुके वापस लाना और कोई भी फोन आए तो फोन उठाना, और अगर मेरे लिए कोई फोन हो तो उनको बोलना मैं बाहर गया हूँ, ये बुके जरा भाड़े पे लिया था मैंने, ये वापस करने जा रहा हूँ कोर्ट भी। टेक केयर एंड प्लीज बी सीरियस। ओके बच गया। हेलो, ए टू जेड सप्लाईज, हम पिन से प्लेन तक सब कुछ सप्लाई करते हैं। संस्कृति अभी तक आई क्यों नहीं?
इधर इतना लेट लेट हो रहा है, मैं भी उसकी तरह बात करने लगा हूँ। सर और कुछ? चाय लेकर आ। विनय ने भांडा तो नहीं फोड़ दिया? विनय का कोई भरोसा नहीं। अरे गंगू तेरी की लड़की, जल्दी आ। हाय दिलीप। हाय। पहले ओळखण ओळखण, ये मेरी बहन है आकृति, बड़ौदा से आई है। हेलो आकृति, बैठो ना, बैठो बैठो आकृति, बैठो बैठो बैठो, कंफर्टेबल। बड़ौदा मां बधु मजा मां? सारू छे, बधु सारू छे। वो संस्कृति वीर ने कल फोन किया था ना, आपकी इतनी तारीफ की, इतनी तारीफ की, मुझसे रहा ही नहीं गया। रात को ही बैठ गई मैं बड़ौदा एक्सप्रेस में आपको मिलने के लिए। अच्छा किया। वैसे तारीफ तो मुझे तुम्हारी बहन की करनी चाहिए। जल्दी जल्दी करो। कर रहा हूँ। आज तक मैंने इतनी लड़कियां देखी है, लेकिन तुम्हारी बहन जितनी समझदार लड़की मैंने नहीं देखी। सुना तुमने? सुना, बस यही सुनाने के लिए मैं तुम्हें बड़ौदा से बॉम्बे लाई। बराबर संस्कृति बहन, आज तक आपको किसी लड़की ने समझदार नहीं कहा ना। ये 100 टच का सोना। 100 टच? मुझे की बात दिलीप, मैंने ये बात हमारी हमारे पूरे फैमिली में फैला दी है। वो क्या है कि मेरे फादर तुम्हारे बापूजी से ऑफिशियल मांगना डालने के लिए आएंगे। ऑफिशियल मांगना? कभी होने वाला है ये प्रोग्राम? 15 दिनों के बाद। 15 दिन क्यों? वो पहले टाइम किसी ने पसंद किया ना बहन को, इसलिए माँ बापू जी गए यात्रा को। अच्छा, हैप्पीनेस में? हाँ हैप्पीनेस में। 15 दिन बहन, तुम्हारी बात और ने। दिलीप। दिलीप, मेरी बहन को ना खंडाला देखना है। खंडाला? हाँ, वो आमिर खान गया था ना आती क्या खंडाला, तो मैं आ गई खंडाला जाने के लिए। हाँ तो चलेंगे खंडाला, ऐसी क्या बात है। शुभ मंगल सावधान। शुभ मंगल सावधान। हेलो। हाँ विनय, दिलीप बोल रहा हूँ। हाँ दिलीप बोल, मैं विनय बोल रहा हूँ। अरे यार फालतू जोक मत मार। अच्छा अच्छा बोल, क्या काम था? देख मैं भूल गया क्या बोल रहा था। अरे भूल गया तो तू छोड़ ना भाई, तू वहाँ पे काम करने गया ना, तो आबुली दारू वाले के साथ अपना बिजनेस जरा बढ़ा। भाई मैं तो करना चाहता हूँ लेकिन कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहा हूँ, हर वक्त संस्कृति की चिंता लगी रहती है। तू सही कह रहा था, एंडी दिलीप बन के उसको घुमा रहा है, तू कुछ करना भाई। मतलब मैं क्या कर सकता? हाँ कर सकता हूँ, जब एंडी फ्री हो जाएगा तब मैं उसे घुमाऊंगा ना। ए भाई, ए क्या बोल रहा है तू, मैं इतना दूर बैठा हूँ उसका फायदा उठा रहे हो तुम लोग। हाँ अच्छा ये बता एंडी कहाँ है? एंडी वो संस्कृति और आकृति को लेके बाहर गया। ये आकृति कौन है? आकृति मालूम नहीं, संस्कृति की बहन। हाँ उन दोनों को लेके वो खंडाला गया। ये क्या 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 हो क्या है विनय यार, ये तू कुछ करता क्यों नहीं यार? अरे मैं क्या करूँ यार, एंडी ने उन दोनों पे ऐसा जादू किया है ना कि यार कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब तू कुछ आइडिया दे ना मुझे। अरे आइडिया छोड़, और संस्कृति को पकड़, उसको हकीकत बता कि वो जिसके साथ घूम रही है वो दिलीप नहीं एंडी है। एंडी ए दिलीप, ये सब हो चुका है यहाँ पे, मैं ट्राई कर करके थक गया। मैंने बोला कि भाई ये दिलीप नहीं है, ये एंडी है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना उससे क्या पता नहीं काला कांडी की है, वो मानने को तैयार ही नहीं है। तू खुद आके बोलेगा ना कि मैं दिलीप हूँ तो भी नहीं मानेगी वो। तो अब अगर तेरे दिमाग में कोई आइडिया है ना तो प्लीज मेरे भाई मुझे फोन करके बताना। हाँ भाई, पहले सिर्फ संस्कृति का टेंशन था, अभी आकृति का टेंशन भी आ गया।
ये प्रकृति क्या खेल खेल रही है मेरे साथ। कमाल करता यार। कमाल करता है, किसका फोन था? दिलीप का। वो दुबई में बैठ के मुझे यहाँ परेशान कर रहा है, ये एंडी बम्बई में होते हुए मुझे परेशान कर रहा है। प्रॉब्लम क्या है तुमको बताओ? अभी इनको सब पहले से बताओ। कहाँ था मैं? दिलीप को देखने एक लड़की आई थी जिसका नाम था संस्कृति। ओके, अब दिलीप तो है नहीं यहाँ पर, तो एंडी दिलीप बनकर उस संस्कृति को घुमा रहा है। नहीं, और भी एक हाँ वाली बात है, वो संस्कृति की एक बहन आई है जिसका नाम है आकृति। अब एंडी जो है वो आकृति को भी लेकर भागा है। वो दोनों कन्याओं को ले गया खंडाला। तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो हम भी चलते हैं खंडाला, उनका भांडा फोड़ते हैं। ए मेरी अम्मा, मैंने और मिली ने बहुत ट्राई किया, भांडा फोड़ते फोड़ते हमारा माथा फूट गया, लेकिन वो संस्कृति बिल्कुल मानने को तैयार नहीं। मैं हूँ ना, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया, तुम चलो। कमान विनय, कमान पास। अरे पता नहीं आज क्या हो गया, शुरू नहीं हो रही है। पेट्रोल है ना? अरे कल ही मैंने टाके में पेट्रोल डाला है यार। चाबी तो आने? हाँ? चाबी? ओहो, अब देख। अरे, ये बाइक है, ये कार नहीं है सर, ये फैमिली प्लानिंग जैसा है, एक से कम और दो से ज्यादा लोग इस पे नहीं फिट होते। बीच में बैठा ना, ये सब बंद में लग गए। रुको, एक मिनट, क्या है? वो लड़की अभी तक मुझको छेड़ती है। अरे सर, मैंने देखा था वो लड़की आपको नहीं छेड़ रही, आपको वहम हो रहा है सर। कमाल कर रहे हो आप, अगर किसी लड़के को फुसफुस करोगे तो वो बोलेंगे कि आप उसे छेड़ रहे हो। क्या अभी उसका हाउसबैंड आ रहा है? हाउसबैंड आ रहा है तो क्या करूँ? खेरो ने अभी अभी तो इधर रहो मेरे पास। हाँ इधर ही रहता हूँ मैं। गाड़ी को क्या हो गया दिलीप? नहीं वो क्या है, गाड़ी कवा हो गई है। वो बारिश में छतरी कवा होती है ना, वैसे गाड़ी कवा हो गई है। वो गर्म भी हो गई है, टच करके देखो। नहीं मैंने तो पहले ही कहा था बस से चलो। अरे खुद की गाड़ी लेने की क्या जरूरत थी? क्या बस से चलो? अरे खंडाला तो गाड़ी में ही मजा आता है। अरे ये मेरे दोस्त की गाड़ी में लेकर आया इसलिए खराब हो गई। तो तुम्हारी गाड़ी किधर है? अरे वो मेरा दोस्त लेके गया है। नेक्स्ट टाइम ना तुम्हारे पप्पा की गाड़ी में चलेंगे, टैंक फुल करके, एसी ऑन करके, मस्त खंडाला। ए क्या रे, क्या जूली को लेकर खंडाला घूमने जा रहा है? अरे खंडाला तू इन दो कन्याओं को लेके कहाँ घूम रहा है? अरे दे आर माय फ्रेंड्स यार। यार मेन बात पे आओ ना, आंटी चल घर चल। एंडी घर क्यों? ये एंडी नहीं है, दिलीप है। देखो दिलीप, ये लोग फिर से आ गए हैं हमको सताने के लिए। चलो चलो। हाँ चलो भाई चलो, अंदर बैठो अंदर बैठो, बंद कर। खुशी भाभी तुम्हारी वाइफ आई है, चलो। ये खुशी कौन है? मेरी वाइफ, मुझे लाखों का चूना लगा कर चली गयी। देखो देखो, हमें कुछ नहीं सुनना है। मैं अभी मेरे फादर को बड़ौदा फोन करती हूँ कि मेरा दिलीप से कोई रिश्ता नहीं है। अरे संस्कृत, मैं इतने दिनों से चीख चीख के यही कह रहा हूँ कि ये जो है वो दिलीप नहीं है, एंडी है। अरे हमारा दिलीप तो भगवान की भैंस है, गाय है, वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। दिलीप एंडी है, एंडी दिलीप है। देखो ये तो कुछ भी नहीं है, तो छोटा मोटा धोखा है। धोखा तो खुशी ने मेरे साथ किया है। देखो तुम लोग दोनों खंडाला चलो, उधर कैंडल लाइट में मैं तुम लोगों को सब समझाऊंगा। कैंडल लाइट में कोई एक्सप्रेशन नहीं सुनना है। मैं अब तो दिलीप नाम से मुझे वो हो गए, वो क्या एलर्जी 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 हो गई है। चलो आकृति हम बस में जाते हैं। बेटा ये क्या हिंदी बोलती है, गुजराती बोलती? अरे उधर संभालो, उधर खाई है। अरे अरे गई, देख गई। इधर है खुशी, चल चल अभी घर। चल चल अभी घर क्या, वो खुशी तो नहीं आई है, हमने ऐसी तरह भांडा फोड़ने के लिए ये पूरा ड्रामा किया था। क्या चला 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 तो। शुभ मंगल सावधान, शुभ मंगल सावधान। हेलो हेलो मिली जी, दिलीप बोल रहा हूँ दुबई से। हाँ दिलीप जी बोलिए। बस फिर क्या सोचा आपने मेरे बारे में? दिलीप जी मैंने आपको कितनी बार कहा है ऐसी बातें मत किया कीजिए ना। नहीं नहीं वो बात नहीं, मैं वो एंडी और संस्कृति वाली बात कर रहा था।
अब क्या है, एंडी ने संस्कृति के साथ साथ आकृति को भी पटा लिया है। मुझे सब पता है दिलीप जी। आपको सब पता है? आपकी आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा है और आप चुपचाप देख रही है। डोंट वरी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आंटी जी का भांडा फूट चुका है। अच्छा, कैसे? विनय जी और जूली खंडाला गए थे और उन्होंने आकृति और संस्कृति को सब कुछ सच सच बता दिया। आंटी जी का भांडा फूट गया। ओके, अरे वाह, ऊपर वाले के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। तो फिर तो संस्कृति और आकृति मुझे ढूंढती हुई मुंबई आ गई होगी। सॉरी दिलीप जी, पर अब तो उन्हें दिलीप नाम से ही नफरत हो गई है। वो तो दिलीप नाम सुनते ही मारने को दौड़ती हैं, पता है? मिली जी, आपको तो मेरा नाम अच्छा लगता है ना? दिलीप जी। मिली जी, अच्छा ये बताइए, हमारे घर में वो जो मछली आए वो कैसी है? पूछ के आती हूँ। हेलो मिली जी। उरी, कहां से कहां मैं पहुंच गई? अनिल गया। ओह माय गॉड, आई डोंट लाइक इट एट ऑल। गुड मॉर्निंग सर। What's good about the morning? पहले बताओ, वो देर लास्ट लिपस्टिक का ऑर्डर खत्म किया? हाँ सर, खत्म किया, बल्कि ऊपर से एक और 50,000 लिपस्टिक का ऑर्डर मिला दिल्ली से। वेरी गुड, कंग्रेचुलेशन। वो भी खत्म करो, बाद में आओ। सर आपसे एक बात करनी थी। फिर जल्दी करो, देखो इतना फाइल है, कम ऑन, मेक इट स्नैपी। क्या है सर? मेरी 3 बेटियाँ भाग गई। इतना खुश नसीब कहाँ हूँ सर मैं। क्या है, क्या, जल्दी बोलो। सर नौकरी के बारे में बात करनी थी। तो क्या तुम अभी बेटियों से नौकरी करवाने वाले हो? नहीं नहीं सर, क्या है कि मुझे 3 दामाद मिल गए हैं, लेकिन इस शर्त पे कि उन्हें नौकरी दिलानी होगी। तो सर अगर अपनी कंपनी में आप उन्हें नौकरी दे दें तो। ओके, उनको 30-40 साल के बाद भेजो। ओके सर, 30-40 साल ये समय आपको कुछ ज्यादा नहीं लगता? ऑलराइट, तो एक काम करो, एक को नौकरी मिलेगी, मैं एक को नौकरी प्रॉमिस करता हूँ। चलेगा। अच्छा जाओ, वो दामाद का एप्लीकेशन लाओ और तुम्हारा रेजिग्नेशन लाओ, तुम्हारी जगह वो बैठेगा। एंडी, एंडी, जा दरवाजा खोल। क्यों रे? बेल बजी। तुझे सुनाई दी तो तू खोलना। मैं ही दरवाजा खोलता हूँ हमेशा। कल भी 3 बार खोला है मैंने दरवाजा। वो दूध वाला आया, पेपर वाला आया, बाद में वो झाड़ू वाला आया। तुझे मस्त प्रैक्टिस हो गई है, अभी तू ही खोल जा। अरे आलसियों के राजा, जाने ये दरवाजा खोलना तू। अरे भाई मुझे नींद आ रही है यार। तो मैं यहाँ पे क्या गिटार बजा रहा हूँ क्या? मुझे भी नींद आ रही है। हाँ, खोल रहे दरवाजा। एंडी देख, किसी का अर्जेंट काम होगा बेटा हमसे, कोई पैसे देने आया होगा तुझे। चल, मुझे कोई पैसे देने थोड़ी आता है, लेने आते हैं सब। तू ही जाके खोल, और देख अगर मेरे काम का आदमी होगा ना तो उसको बोल शाम को फोन कर, मेरा अपॉइंटमेंट ले, बाद में मिलने आ। अरे फोन भी तो नहीं उठाता है तू। देख अभी तू कैसा फ्रेश उठ गया है, जाके खोल दरवाजा। गुड बॉय। अरे चिल्ला मत रे। ए, ए, टांग से मस्ती मत कर यार। अरे क्या कर रहा है यार तू विनय? चल, तेरी भी नींद खराब। मेरी चल, चल। तेरे साथ रहना ही नहीं चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ, खोल। कौन है भाई? के लिए 2 लाख दिरहम का ऑर्डर लेके आया हूँ दोस्तों। अरे वाह यार, क्या बात है। कंपनी का छोड़ हमारे लिए क्या लाया है? दिखा दिखा दिखा। दोनों के लिए, इसमें कुछ नहीं है तो एक सरप्राइज लेके आया हूँ। नेपाल गया था तो वहाँ पे बांसुरी बजा के खांसी लेके आया था। भैया शादी करके तो नहीं आ? चल 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 बाहर देखते हैं। दोस्तों सरप्राइज वहाँ नहीं, यहाँ है। देखो कहाँ आए हैं, देख लो बराबर घर।
मस्त है ना हमारा घर, देखो यो 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 यो, हाँ बोल रहा है। कैसा लगा सरप्राइज? मस्त है ना? फर्स्ट क्लास है। कहाँ से लाया कुत्ता? कुत्ता नहीं है ये। हाँ समझा इसको, मुर्गी। क्या बोल रहा है? दो पैर है ना? नहीं क्या ये देख। हाँ यार इसको दो ही पैर है। फिर एक्चुअली ये दिखता है मुर्गी जैसे, पर ये है एक्चुअली ऊंट। रेगिस्तान का राजा, शिप ऑफ डेजर्ट। अरे भाई लेकिन रेगिस्तान के राजा को सिर्फ दो पैर क्यों है? अयो दो पैर पीछे है ना हाथी के, देख। खुश हो गया? देख कैसा खुश हो गया। यही फालतू जोक सुनने के लिए मैं तरसता था रे दुबई में। अच्छा मालूम है आंटी, ये चलता भी मस्त है, देखना। वो भी दिखा, चलता भी है। लेफ्ट राइट, देखो तो तूने की हेयर कट। क्या बोल रहे है? अच्छा है इसलिए कह रहे हैं। मस्त है ना? चला के देखा, चला 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 विनय चला। ये अभी तुम लोग इससे खेलो, मैं थोड़ा फ्रेश होके आता हूँ। अरे फ्रेश होने की क्या जरूरत है यार, तू प्लेन से आया, ट्रेन से थोड़ी आया, उसमें तो एसी होता है। अरे प्लेन से कहाँ आया यार, शिप से आना पड़ा ना। क्या बात कर रहे हैं, अबे जाते टाइम भी तू शिप से गया था ना? वही ना, रिटर्न टिकट था तो उसी से आना पड़ा। रिटर्न टिकट? एनीवे ये पकड़, तू आ गया है, अब दावत होगी, यहाँ पे धत्तिंग पार्टी होगी। एकदम मेरे मन की बात छीन ली यार तूने। देसाई मेहरा सबको बुलाएंगे, अरे देसाई को ना मस्त डांस करवाएंगे पी के। चलो चलो मैं ना के आता हूँ। नहीं नहीं अभी टाइम ही नहीं है। हाँ। अभी तू जाएगा डायरेक्ट किचन में। हाँ। और सबके लिए खाना बनाएगा।